हेलो गाइस यू आर सीरियल सियापा पे देते हैं आपको आप फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी बात करते हैं पंड्या स्टोर के आने वाले एपिसोड की तो धवल और शांतनु एक दूसरे के साथ मार पिटाई करते हैं नताशा और ताई शौक है नवेली यहाँ पर पे पेंटिंग देखती है शांतनु कहता है कि आखिर तुम पागल हो चुके हो दिमाग ख़राब है तुम्हारा हर कोई वहाँ पर आ जाते हैं और धवल कहता है तूने नताशा के साथ किया किया है ताई यहाँ पर कहती है मेरे भाई को छोड़ो बस बहुत हुआ अम्बा कहती है कि तुम वापस कैसे आ सकती हो तभी सब शौक हो जाते हैं नताशा धवल को चिल्लाते हो कहती है तुमने मेरे शानु को मारा तुम बैड हो बैड और वो शांतनु को हक करती है वो कहती है चलो शांतनु हम घर चलते हैं प्रणाली कहती है ये हमारी नताशा नहीं हो सकती ये तो दिमाग से एकदम बच्ची है धवल शांतनु से कहता है कि तेरा के साथ रिलेशनशिप क्या है ताई सोचती है कि बिट्टू का ज़रूर इस फैमिली से कोई कनेक्शन है वो कहती है कि मैं अपने भाई और बिट्टू को लेकर कर जाऊँगी वो कहता है शांतनु से कि इधर आ शांतनु कहता है नताशा मेरे साथ चलो नवेली आती है पेंटिंग के साथ और नताशा को रोकती है वो दिखाती है अपनी ड्राइंग पंड्या स्टोर की नताशा कहती है कि नहीं मैं अब यहाँ नहीं रोकूंगी धवेली धवल बहुत बैड है उसने मेरे शानू को मारा है ताई और नवेली कहते हैं कि आखिर बिट्टू तुम्हें मुझे किसी से मिलवाना है चलो नताशा वहाँ से चली जाती है नवेली रोती रहती है धवल कहता है तुम रुको और वो उससे रिक्वेस्ट करती है प्रणाली कहती है रुक जाओ तुम दौड़ो मत उसके पीछे शांतनु कहता है कि मैं उस आदमी को आज पीठ ही डालता ताई कहती है ऐसा लगता है कि बिट्टू की स्टेट जो है वो यहाँ पर से हमें ले जाना ही चाहिए और वो टैक्सी को बुलाती है हेतल कहती है प्रणाली से कि नताशा को यहाँ पर कभी मत आने देना और वैसे भी नताशा नवेली की माँ है उसे हम हॉस्टल भेज देंगे और ये उसके सवालों का ही सब जवाब हम नहीं दे पाएंगे जब वो बड़े होकर के पूछेगी धवल चिल्लाता है रुको शांतनु कहता है कि मैं तुम्हें मुंह तोड़ दूंगा और नीचे गिरा दूंगा धवल कहता है कि मुझे एक बात बताओ तुम्हारे इसके साथ रिश्ता क्या है शांतनु धवल को मारने वाला ही होता है नताशा बीच में आ जाती है और चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है धवल उसे पकड़ता है वो उसे उठाता है अंदर ले जाता है वो कहता है कि तुमने इतनी देर हो गई पानी तक का नहीं पूछा वो शांतनु और ताई को डांटता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसकी बस एक ही किडनी है ताई कहती है कि तुम्हें कैसे पता शांतनु कहता है कि ये बेहोश हो गई थी स्ट्रेस से हटो यहाँ से हटो मैं देखता हूँ तभी वो वाटर छिड़कता है उसके मुँह पर उसे उठाता है और उसे मेडिसिन देती है देता है और वो गाना गाता है तू जो रूठा और वो उसको स्पेसिफिक करता है और वो दोनों हक करते हैं धवल जलस होता है धवल सबसे कहता है चलो जाओ या अपना अपना काम करो प्रणाली नवेली से कहती है कि तुम अपनी फ्रेंड को रेस्ट करने दो ताई और शानू कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि अगर हम यहाँ रहे तो बिट्टू मुझसे दूर हो जाएगी यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि धवल क्या सच में फाइंड आउट कर पाएगा कि नवेली जो है वो धवल की और नताशा की बेटी ऐसे ही नहीं बल्कि उसके प्यार की निशानी है और क्या वाकई में शांतनु धवल के एबसेंसी में नताशा का ख्याल रख रहा था या फिर इन दोनों का रिश्ता है क्या लगता है कमेंट कीजिए साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें